शतरंज की दुनिया का सरताज बनने का आर प्रज्ञानानंद का सपना पूरा नहीं हो सका। चेस वर्ल्ड कप फाइनल में उन्हें दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन के हाथों मात मिली। इसके बावजूद उन्होंने निश्चित रूप से पूरे देश को गौरवान्वित किया। उनकी मजबूत संकल्प ने महज 18 साल की उम्र में उन्हें चेस वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया। प्रज्ञानानंद के शानदार प्रदर्शन पर चेन्नई के स्कूली छात्रों को भी नाज है। प्रज्ञानंदा हु हैड मेड दिस वे ऑल थ्रू दिस वेदर ही लूजेस और नॉट विंस और लूजेस वी विल स्टैंड फॉर हिम एंड सपोर्ट हिम एवरी टाइम वी आर वेटिंग ईगरली एवरी सेकंड फॉर हिज विक्ट्री एंड वी विल शेरिश दिस मोमेंट वेरी हैप्पीली। We feel very proud and very happy to be here and we are cherishing every single moment of his hard work and we are very proud that he has come all this way and it's matter of fact that he wins or loses, we still feel very proud that he has come all this way and it's a victory in our hearts and he has already won the match and we are very happy and celebrating every single moment of it. Sir, we are very feeling proud, sir. Because he is a Velamalian, on behalf of Velamalian India, is going to fight against Magnus Carlsen in the first World Cup. Each and every second we are eagerly waiting for it. Whether he loses or not, it's still a pride for us. From his childhood, he had still faced a lot. So he has to be encouraged, motivated from behalf of all the students, and I'm one of it. I feel very proud that Prignananda is participating and has went to the finals of the World Cup and I feel that as a young child he's competing against the grandmaster who's almost twice his age. 18 साल के वंडर बॉय को लंबे समय से 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुके विश्वनाथन आनंद के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। निश्चित रूप से वो शतरंज का महान खिलाड़ी बनने की राह पर है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।